जा रहा हूँ, जो यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो एग्ज़ाम हुआ था 2 दिसंबर 2018 के दिन, विधान भवन रक्षक और वन रक्षक का एग्ज़ाम हुआ था, उसका आंसर की आप कैसे अपना देख पाएंगे, क्वेश्चन पेपर कैसे देख पाएंगे, और आप इस पर क्लेम भी कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग आपको लगता है तो आप क्लेम भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे, जैसा कि मैं ऑलरेडी खोला हूँ, फिर भी देखिए UPSSSC.gov.in। जैसे होते हैं खोलने के बाद देखिए आपको सबसे ऊपर ये देखिए न्यूज एंड अलर्ट यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर टू सी कंसर्न आंसर की ऑफ द एग्जाम हेल्ड ऑन डेटेड 2/12/2018 अंडर द एडवर्टाइजमेंट नंबर 24 एग्जाम 2016 विधान भवन रक्षक वन रक्षक समन्वय चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2016। तो बस इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे देखिए एक न्यू टैब खुलेगा। यहाँ पर आपको आप अपना यूजर आईडी डालेंगे, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला था जिससे एडमिट कार्ड आप डाउनलोड किए होंगे, और पासवर्ड के जगह पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ अगर आपका 1/1/2012 है तो आप डालिएगा 01/01/2012, इस फॉर्मेट में डालेंगे जैसा यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक, जैसे ही डाल के लॉग इन करेंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर और आंसर की उसमें शो करने लगेगा, आप कौन कौन सा क्वेश्चन किए। अब इससे रिलेटेड देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अनुपस्थित अभ्यर्थी प्रश्न पत्र और जवाब आपत्तियां नहीं देख सकते और आपत्तियां प्रस्तुत नहीं कर सकता, मतलब कि जो स्टूडेंट अपियर नहीं हुआ एग्जाम हॉल में वो नहीं देख सकता है यहाँ पर लॉग इन करके। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, उम्मीदवार केवल इस लिंक के माध्यम से प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, किसी भी अन्य मोड साधन चैनल के माध्यम द्वारा आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम है तो इधर ही अंदर ही जाकर कंप्लेन करना पड़ेगा, कोई आप मीडिया का हेल्प नहीं ले सकते इसके लिए। ठीक, इसके बाद से देखिए ये थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, उम्मीदवार इस लिंक पर 3/12/2018 से 10/12/2018 6 PM तक आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। आपत्ति के प्रस्तुत करने के लिए 13/12/2018 6 PM के बाद से यहाँ लिंक नहीं उपलब्ध होगा। तो दोस्तों आपको देख चुके हैं कैसे कैसे करना है, यहीं पर अपना आप यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे और आप अपना आंसर की क्वेश्चन पेपर सब देख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, आपका यथासंभव हेल्प किया जाएगा।